अच्छा सुने तो उन्होंने क्या कहा। क्या कहा है? Dad, you know, I mean, आपके मुल्क वहां जाने का एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। अच्छा तो जॉर्ज से शादी भी तुम्हारी एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि तुम स्क्यूबा डाइविंग और बंजी जंपिंग करती रही हो। आप कह सकते हैं। बेटा रिश्तों और ताल्लुकात में एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते, स्पेशली शादी ना करो ये सब। डैड वेट, क्या डिसाइड हुआ था हमारे बीच? नो मोर डिस्कशंस। और आप बैकआउट भी नहीं कर रहे। बाय द वे डैड, व्हाई डू यू वांट टू गो टू पाकिस्तान आफ्टर सो मेनी इयर्स? पुराने रिश्तों को ढूंढने और नए रिश्तों को दफन करने। ना पुराने रिश्ते मिले और ना ही तुम्हारे और जॉर्ज के रिश्ते को दफन करने की हिम्मत है मेरे अंदर। कुछ भी नहीं कर पाया मैं। इससे बेहतर है कि ताया जी से इजाजत लेके मैं होटल ही शिफ्ट हो जाता हूं। क्या सोचा आपने? तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसा मुमकिन है? नामुमकिन क्या है इसमें? सिया बेगम, तुम भी कमाल खातून हो भाई। कल तक तो तुम नवीद के कराची आने पर, हमारे घर में ठहरने पर और बाबूजी उसको माफ कर दे इसके बिल्कुल खिलाफ थी। आज तुम कह रही हो कि नवीद और इकबाल की शादी हो जाए, तौबा है। और वो तुम्हारी बहन जो कह देती है ना, तुम्हारे लिए पत्थर पे लकीर होती है और तुमने उस पर अमल करना है। कभी अपनी भी तो अकल इस्तेमाल कर लिया करो। आप तो मेरे मैके के हर बंदे से चढ़ते हैं खाम खामे, चाहे वो कितने भी काम की बात क्यों ना करे। नसीमा ने तो बहुत समझदारी की बात की है। क्या समझदारी की बात की है उसने? लो, अमेरिकन अमीर कबीर डॉक्टर से इकबाल की शादी हो जाएगी तो ऐश करेगी वो, हमारी भी शो बन जाएगी, वाह वाह हो जाएगी। वरना तलाक याफ्ता बहन मैके में बैठी भतीजी की राख खोटी करेगी। समझ रहे हैं ना सुरैया के अब्बा? ऐसा कैसे हो सकता है? नवीद क्यों कर मानेगा? और बाबूजी क्या खुर्शेद की मौत भूल सकेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। होने को तो सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो, बस थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी दिखानी होगी। आप एक काम करें। क्या करूं? आप ये बात अब्बा जी के कान में डाल दें। इकबाल को मैं मना लूंगी। और नवीद को कौन मनाएगा?